नमस्कार दोस्तों, आज 12 तारीख की शाम है और 13 तारीख को हमारी फिल्म जो पश्चाताप है उसका सुबह सुबह 7 बजे ट्रेलर हमारे इंस्पायर फिल्म चैनल पे आने वाला है। तो मैं खुश भी हूँ और थोड़ा नर्वस भी हूँ, थोड़ा अपने आप को भावुक महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में जो प्रथम लॉकडाउन था उस लॉकडाउन में हमने इस कहानी के प्रारूप को हमने पूरे तरीके से बनाया था और अपने अथक मेहनत और अपने टीम के पूरे सहयोग से हम लोगों ने इसको एक रूप दिया था। उस समय साल भर पहले लगभग वो वेब सीरीज और ये और वो सब दौर अलग था। वैसे स्थिति में जहाँ नंगापन और अश्लीलता का दौर चल रहा था, उस जगह पर हमने एक नारी प्रधान और साफ सुथरी फिल्म बनाने का हिम्मत किया था और लोगों ने मुझे बहुत कहा कि भोजपुरी फिल्म है, नारी और महिलाएं कहाँ जाती है भोजपुरी फिल्म देखने को, आप कॉमर्शियल फिल्म बनाइए, ऐसा बनाइए, वैसा बनाइए। लेकिन फिर भी हमने उनकी न मान के अपने दिल की मानी थी और हमने एक नारी प्रधान पारिवारिक साफ सुथरी फिल्म, जो मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि पिछले 10 साल से आप उस टाइप का, उस लेवल का, उस थीम की, उस कॉन्सेप्ट की फिल्म नहीं देखे होंगे। कहीं ना कहीं कितनी भी पारिवारिक फिल्म बनती है थोड़ा सा टच कमर्शियल आ ही जाता है, लेकिन हमने ये फुल नारी प्रधान फिल्म और पारिवारिक फिल्म बनाई है और आपके सामने आज उसका पहला लुक समर्पित करने जा रहा हूँ। दोस्तों, खुशी भी है और एक नई शुरुआत है, तो थोड़ा डर तो लग रहा है, लेकिन बिना प्रमोशन मैंने खुद अपने ऑफिशियल चैनल से इस के ट्रेलर को डाला है, क्योंकि मुझे मालूम है कि पब्लिक ही जो निर्णय लेगी वही मेन निर्णय कहलाएगा, क्योंकि लोग फिल्में तो बहुत अच्छी बना लेते हैं, लेकिन जो म्यूज़िक कंपनियां हैं, जो डिजिटल कंपनियां हैं, वो उसको प्लेटफॉर्म देने की को तैयार नहीं होती है और वहां पर स्टार्टिज़म और उनके बनाए अपने सारे नियमों का मामला होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं से ऐसा लगा कि अच्छे मेकर्स तो हैं लेकिन शायद पब्लिक तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पा रही है। तो मैंने कुछ 5, 10, 20 लोगों को ये अपने मोबाइल में ये ट्रेलर दिखलाया, लोगों ने पसंद किया और प्रशंसा की, लेकिन जब तक 25,000 50,000 1,00,000 लोग इसको नहीं देखेंगे तब तक हमने क्या बनाया है और समाज को क्या चाहिए ये निर्णय नहीं हो पाएगा। तो ये निर्णय आपके हाथ में है। मैं अब आज ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा और कल इसी टाइम मैं फिर अपने ब्लॉग पे और अपने फेसबुक पे लाइव आऊँगा और देखूँगा कि आप लोगों का क्या निर्णय है, आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आया या नहीं पसंद आया। हमने बहुत दिल से और बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई है और भोजपुरी के लिए एक छोटा ही कदम कहें, लेकिन मतलब एक वैसा कदम हमने उठाया है कि भोजपुरी को एक अच्छी साफ सुथरी पहचान मिल सके, जो सम्मान भोजपुरी की पहले थी वो आ सके। तो बस इसी बात के साथ मैं बोलूँगा भाई, एक बार ज़रूर देखिएगा और डिस्क्रिप्शन के नीचे भी मैं उसका लिंक दे दूँगा जब वो 7 बजे सुबह वो ट्रेलर आ जाएगा। तो अभी तो पूरी रात बाकी है, ये रात बड़ी भारी है, लेकिन चलिए ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको, मैं उम्मीद करता हूँ, कोशिश नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ पसंद आए, और पसंद आएगा तो ज़रूर अपने दोस्तों में और अपने फॉलोअर्स को शेयर कीजिएगा।